छिंदवाड़ा में आदिवासी ग्रामीणों के साथ यूरिया खाद के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित आदिवासियों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। छिंदवाड़ा के तामियाखी नगरी ग्राम पंचायत के आदिवासी ग्रामीणों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अज्ञात व्यक्ति ने एक फॉर्म बनाकर यूरिया खाद के नाम पर ये ठगी की है। इस व्यक्ति ने सस्ता यूरिया देने के नाम पर कई लोगों से वसूली कर डाली और जब ग्रामीण उसके बताए पते पर गए तो उस स्थान पे कोई यूरिया फॉर्म नहीं मिली। इन आदिवासी किसानों को यूरिया के नाम पर ठगा गया है। इस मामले की शिकायत तामिया थाने में की गई है। समस्या ये है कि एक व्यक्ति आए और एक गांव के अरुण नाम का भैया था, इसने लाया और हमको बताया कि पौधे यूरिया मिल रही है एक कंपनी से, जुड़ जा कंपनी से, हम नहीं जानते। क्या कितने पैसे लिए आपसे? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? हाँ। किसके कहने पर दिया आपने 5,000? अरुण के कहने पर। अरुण कौन? गांव के आपके? गांव के। और समस्या यही है सर, कोई वो अरुण के साथ में आया था, अरुण ने लेके आया था उनको। अरुण कौन है? अरुण अब उन्हीं के साथ में थे सर, हमारे गांव का। अच्छा। नागरी का। हाँ। वो कहने लगे कि भाई जी पौधा रख लो और इसमें पौधा भी दे रही है और 35 बोरी यूरिया दे रहा है बोले। कितने पैसे ले गए आपसे? मैं सर 5,000 ले गए सर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।